एक बुरी और दुखद खबर सामने आई है, जहां रुद्रप्रयाग के फ्लाई गांव के रहने वाले कुलदीप सिंह भंडारी देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। आपको बता दें कि हमेशा से ही भारत माँ की रक्षा के लिए आगे रहने वाले देवभूमि के वीरों ने अपना बलिदान दिया है। अब इसी कड़ी में एक दुखद खबर सामने आ रही है शिलांग से, जहां कुलदीप सिंह भंडारी 35 असम राइफल में तैनात थे और शिलांग में उनकी पोस्टिंग थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को कुलदीप सिंह भंडारी एक ऑपरेशन के सदस्य थे, जिसमें वो शहीद हुए हैं। वहीं मामले की जानकारी देते हुए फ्लाई गांव के प्रधान विजयपाल सिंह राणा ने बताया कि घटना के बारे में शुक्रवार दोपहर को सूचना मिली थी। वहीं हवलदार कुलदीप सिंह भंडारी पिछले कुछ समय से शिलांग में तैनात थे, ऐसे में उनके शहादत की खबर के सामने आने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि कुलदीप सिंह 1.5 महीने पहले ही घर आए थे। वहीं उनके घर पर बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चे हैं। साथ ही देर शाम उनका पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच गया है और आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके बेटे ने उनके पैतृक घाट पर उनको नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। वहीं दुखद खबर के बाद परिजनों समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।